बड़वानी में मेधा पाटकर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में मेधा पाटकर समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इनमें ये आरोप है कि नर्मदा नवनिर्माण NGO को मिले 13.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया है। मेधा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता रहा है और राजपुर ब्लॉक के टेबला गांव के रहने वाले प्रीतम राज बड़ोले की शिकायत पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। मामले को लेकर पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं मेधा पाटकर ने आरोप को बेबुनियाद बताकर ऑडिट करने की बात कही है। प्रीतम राज का आरोप है कि पाटकर के NGO में 14 बरस से 13.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, इसमें हेराफेरी हुई है। 2006 से जिनका एक NGO है नर्मदा बचाओ गठन करके, उस NGO के माध्यम से जो वहाँ पर जो राशि डलती थी उस राशि का इन्होंने अभी तक मतलब जो है बताया नहीं कि हमने कहाँ पर कितनी राशि खर्च की। राशि कहाँ से डलती थी? वो सामाजिक लोगों के माध्यम से इनके अकाउंट में डलती थी। कितना पैसे की जानकारी आपको मिली अब तक? अभी 12.5 करोड़ के आसपास कैसा आया है इसमें, मतलब NGO इसमें दिया गया 13.5 करोड़ रुपये। FIR में 13 लोगों के नाम है जो अलग अलग 12 लोगों के नाम है जो अलग अलग स्थानों पर रहने वाले हैं। मुख्य FIR मेधा पाटकर के नाम से। हाँ, मेधा पाटकर के नाम से।